भगवान के समय की तीन वस्तुएं ब्रज में आज भी विद्यमान है। जैसे अयोध्या को विक्रमादित्य ने बसाया, भगवान राघवेंद्र सरकार अयोध्या से सबको लेकर के चले गए। अयोध्या को जैसे विक्रमादित्य ने बसाया, वैसे ही वृंदावन को ब्रज 84 कोस को हमारे चैतन्य महाप्रभु ने बसाया। परंतु विक्रमादित्य ने जो अयोध्या को बसाया, जहां राम जी का जन्म था वहां पर वो मंदिर बनवाया, ये प्रयागराज के कथनानुसार। इन्होंने एक वहां पर दिव्य चमत्कार देखा, विक्रमादित्य जब शिकार करते करते अयोध्या की झाड़ियों में पहुंचे, एक झाड़ी में बैठ गए, थक गए थे। इन्होंने देखा कि एक काले घोड़े पर एक काला मानव बैठ करके आया और आकर के उसने सरयू जी में स्नान किया, घोड़े को स्नान कराया, वह स्वच्छ और साफ हो सफेद घोड़ा हो गया, सफेद उनका वर्ण हो गया। एक घोड़े पर बैठ करके जाने लगे, विक्रमादित्य ने जाकर के चरण पकड़ लिया, कहा आप कौन हैं, आप अपना परिचय दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं प्रयागराज, संसार के पाप धोते धोते जब हम काले हो जाते हैं, सरयू जी में आकर के स्नान करते हैं तो हम स्वच्छ और साफ हो। यहां पर राम जी का जन्म स्थान कहां है? प्रयागराज। कहते हैं कि राजन, ये जो गाय घास चल रही है, संध्या के समय आप इसके पीछे जाना और जिस स्थान पर खड़े होकर के इसके थनों से दूध निकलने लगे, वही राम जन्म स्थान। ठीक गौ बेला हुई 4 बजा, गाय चलने लगी, उसके पीछे विक्रमादित्य जा रहे हैं। गाय खड़े होकर के उसके चारों थनों से दूध निकलने लगा, विक्रमादित्य ने वहीं पर राम मंदिर का निर्माण किया। पर विपरीत परिस्थिति में आकर के पुनः उसको तोड़ा गया, भ्रष्ट किया गया, वहां मस्जिद इत्यादि बनाई गई। आज भी जो महान भाव गए होंगे कनक भवन का दर्शन करने के लिए, कनक भवन में 3 विग्रह है। बड़े जो विग्रह है वो ओरछा नरेश के राजा के द्वारा प्रतिष्ठित है। कनक भवन का निर्माण कराने वाले ओरछा के राजा, और उनसे जो छोटे विग्रह हैं वो श्री विक्रमादित्य के द्वारा है, और उनसे जो छोटे विग्रह है वो श्री भगवान कृष्ण के द्वारा। आप कभी कनक भवन जाना तो आप देखना, 3 विग्रह है, 2 विग्रह बड़े हैं, उनसे फिट मजले हैं, फिर छोटे हैं। अपन दर्शन करते हैं तो बाईं तरफ आप ये देख, विवाह पंचमी के समय वही जो श्री हमारे विक्रमादित्य के द्वारा जो देव विग्रह प्रतिष्ठित थे, वही बाहर आते हैं जगमोहन में और उन्हीं श्री विग्रहों के साथ विवाह पंचमी के साथ समय राम सीता का वहां पर विवाह होता है पाणग्रह। तो यहां पर भगवान कृष्ण के समय की ब्रज में 3 वस्तु हैं, श्री जमुना है, भूमि है और श्री हमारे गिरिराज बाबा है।